एक्चुअली ब्रेक के साथ बात की ये तो जितना संग्राम सेनानी भी है और आज के कार्यक्रम के एम.एल.ई. मधोश साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि आदरणीय बात की ये सम्मान मंच पर लाएंगे और भाई आत्म प्रकाश क्रॉस मत कर रही है आप हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आप दूरदर्शन में पैक्स हैं दूरदर्शन के चत्र और ऐसे भी लाल साहब आप वरिष्ठ लेखक कवि निगम कथन डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैजा साहब जी कपूर हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी भी तशरीफ हैं आसिफ फैजा साहब आप भी मदनी हैं बुरा मुस्तफ़ा खान साहब आप भी हैं कि वो लगता सिंह हमें कृपा करें और आज का ये जो हमारा प्रज्वलन का कार्यक्रम उसे गति और गरिमा प्रदान करने की कृपा करें अस्तो मां सर गमे ये हमारी वैदिक परंपरा का सूत्र वाक्य है नाटक का मंच जब तक अंधकार में रहता है उसमें तो शून्य होता है लेकिन जब उस पर प्रकाश के वृत्त पड़ते हैं तो मंच भूषण होता है और कार्यक्रम का प्रारंभ होता है तो चल रहा है हमारा यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का एक सांकेतिक और प्रतीकात्मक अरे हमको बोलो मेरे भाई संकेत अभी ये महफिल में समारोषण हुई मैं अपने सब मंचा सिंह अतिथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ प्रेक्षागृह में उपस्थित अपनी सम्मानित अतिथियों का मैं एक बार पूर्ण स्वागत करता हूँ हमें से जो लोग हैं फिल्में देखते हैं नाटक देखते हैं कुछ कलाकार जो आज चल रहे हैं आज हमारे सामने काम कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं जैसे कि आज भी अचानक से किसी से पूछने की सुनील गावस्कर कौन है तो शायद उनको बताना मुश्किल होगा क्या आप जानते हैं सुनील गावस्कर कौन थे या कौन है बताएंगे कोई ओके कोई और कवर कर लिए तो पूरा आपने जी सभी लोग बता देंगे क्योंकि वो हमारे समकालीन है हमारे काल में कार्यरत हैं काम कर रहे हैं कुछ वक्त जो गुजरा जो हमारे पुरखे हैं हमारे जो पूर्वज हैं कला में राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम में खेल में उनको याद करने का अवसर आए तो इससे ज़्यादा सुंदर बात और कोई नहीं है तो आज की इस पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि जोहरा बेगम एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय रंगमंच को बहुत कुछ दिया है लखनऊ क्लब रविंद्रालय गंगा प्रसाद सभागार आदि भारत के अन्य शहरों में और उन्होंने जो काम किया है और उनका विशेष काम ये है कि युद्ध के समय भारतीय सेना के उत्साह वर्धन के लिए बहुत से कार्यक्रम हुए मेरे बचपन में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए उनकी आखिरी फिल्म का नाम ही था आखिरी कथन
लैला मजनू शीरी फरहाद दीप रांझा ऐसे ऐसे उन्होंने न जाने कितने सैकड़ों नाटक उन्होंने किए। सिंगल आर्टिस्ट के तौर पर लैला व मजनू दोनों का शानदार किरदार निभाते थे। अपने वन माइंड शोज के बारे में सुना होगा जिसमें एक कलाकार विभिन्न पात्रों का अभिनय आपके समूह प्रस्तुत करता है, लेकिन एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम जिसमें एक महिला पुरुष और महिला दोनों का पात्र अभिनय करे, यानी वही लैला है और वही मजनू, ये अद्भुत अभिनय जोरा बेगम ने अपने जीवन काल में किया। रीना देवी के नाम से आप प्लेबैक सिंगिंग भी करते, यानी फिल्मों के लिए गाने भी गाते। अंधेरी मुंबई में डांस क्लास व अभिनय कार्यशाला चलाकर बहुत से लोगों को उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण दिया। उनकी छोटी बहन रेहाना वो भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नाम और शोहरत के बाद भी जोहरा बेगम ने सादा जीवन दिया और अपने बच्चों को उच्च आदर्श व जीवन में नैतिकता देशभक्ति की प्रेरणा। उनका कहना था कि आर्टिस्ट को धन दौलत के नहीं दर्शकों की तालियों की लालसा होती है। जीवन भर अपने उत्तम चरित्र व आदर्शों के कारण विषम परिस्थितियों में भी किसी से मदद नहीं है वह भारत सरकार से भी मदद के लिए गुहार दिया है और आर्थिक अभाव से लड़ते हुए और विषम परिस्थितियों में आपने मेरठ में अपनी दीक्षांत ली। ये थी जोरा बेगम और इन्हीं की साहबजादी इन्हीं की बेटी इन्हीं की सुपुत्री जहां नारा आप फिल्मों की हीरोइन रही हैं और मीना नाम से आप अभिनय का कार्य करती थी। आप फिल्म कलाकार और स्टेज आर्टिस्ट दोनों थी और आपने अपना काम 14 या 15 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दिया है। आपने अभिनय के अलावा नृत्य व डायलॉग की दबिंग यानी संवाद की दबिंग और मटका वादन में भी आपने अपनी प्रतिभा को दर्शकों के सामने रखा। आपकी कुछ मशहूर फिल्मों का नाम मैं लेना चाहूँगा। मिस चालबाज पुराने लोगों को शायद याद आ जाए। मिस चालबाज, सपेरा, तिल सुनी दुनिया, ला बेला, मुराद, जादू नगरी, गोरिल्ला एंड टार्जन, माफ कीजिएगा गोरिल्ला एंड टार्जन, इसमें से मैं मिस चालबाज के बारे में जानता हूँ, सपेरा के बारे में जानता हूँ, ला बेला के बारे में जानता हूँ और गोरिल्ला एंड टार्जन के बारे में भी जानता हूँ। तो नीना जी ने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक घरेलू महिला का जीवन जीना शुरू किया। अपने दो बच्चों को उत्तम चरित्र व नैतिकता के आधार पर जीवन गुजारने की प्रेरणा दी जो अब उनके सिखाए रास्ते व आदर्श पर चलकर समाज सेवा व रंगमंच को नया आयाम देने में जुटे हैं। और इन लोगों से आज की शाम आप मिलेंगे, रूबरू होंगे। एक तो इस नाटक के जो दूसरे चरण में प्रस्तुत होगा आपके समूह उसके निर्देशक हैं और दूसरी नाटक में महिला पात्र का निर्वहन कर रहे हैं और वो हैं श्री एम अली मधोश एडवोकेट और कुमारी निदा फातमा। कुमारी निदा फातमा लखनऊ विश्वविद्यालय से एम लिप ISC हैं वह ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव भी हैं। ये दोनों लोग स्वर्गीय नीना जी के देश की सेवा व समाज सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रात दिन समाज सेवा के साथ भारत के संस्कृति को बढ़ावा देने व रंगमंच को नया आयाम देने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन दोनों लोगों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। ताली इसलिए ज़रूरी है कि अभी शायद अगर आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते हैं सरकार के साथ पढ़ते हैं तो आपको शायद याद आ जाएगा कि विभूति खंड में एक हफ्ता पहले
एक बूढ़े दंपति, एक माँ और बाप डिवाइडर के ऊपर इस कति गर्मी में खुले आसमान के नीचे सूरज के तापमान के साथ 3 दिन उन्होंने फुटपाथ पे उस डिवाइडर पर बैठ कर गुजारा है। क्या पढ़ा है आपने? ऐसे युग में जब संतान आपको जीवित रहते हुए आपका सम्मान नहीं दे पा रही है, ऐसे वक्त में जो दिवंगत हो गए, मरहूम हो गए, हमारे बीच से चले गए, उनकी यादों को जिंदा रखना, अपनी विरासत को समझना, उसको संजोने के लिए एम अली मधोष और निदा फातिमा जिस जान से, जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस जुजू से, जिस साबित से लगे हुए, मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली से आपका शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। और स्वर्गीय मीना यानी जहां नारा अक्सर कहा करती थी कि बेटा, मेरी माँ कहा करती थी कि किसी यतीम के सिर पर हाथ रखने से अल्लाह बहुत खुश होता है, इसलिए यतीमों व यसीरों की खिदमत करो, चाहे वो किसी भी मौसम हो। सेवा में घर, जाति, वर्ड, क्रास, क्रीड या आदमी, ये बाधा नहीं होते। तो मरहूमा नीना उर्फ जहां नारा, पहले भी परंपरा थी, आज भी परंपरा है कि जो अभिनेता थे, लेखक हैं, कवि हैं, ये अपना एक उपनाम रखते हैं, जनता के सामने आने के लिए अपना एक उपनाम रखते हैं। काका हाथरसी, दिलीप कुमार, तो वैसे ही हमारी मरहूमा नीना उर्फ जहां नारा ने कहा कि जिन विषम परिस्थितियों में बलरामपुर, माफ कीजिएगा, आपकी मृत्यु भी उनकी माँ की तरह ही बलरामपुर में, बलरामपुर हॉस्पिटल में 16 अप्रैल 2008 को अपने अंतिम सांस ली, और स्थितियाँ वही रही, आर्थिक अभाव और सामाजिक उपेक्षा। और ये समाचार मेरा पढ़ा होगा, मैंने उससे जाना था कि एक ऐसी कोई मृत्यु हमारे शहर की रहती। आपने भी बिना किसी सरकारी सहायता के अपना जीवन गुजारा, और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए उनके सुपुत्र एम.अली मधोश एडवोकेट के नेतृत्व में आमरण अनशन भी किए गए, आंदोलन चलाया गया, वो आंदोलन आज भी जारी है। पिछली सरकार से उनके लिए यक्ष भारती की मांग भी की गई, उनको उनका सम्मान दिलाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। आशा है वर्तमान सरकार, सांप्रतिक सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत के ऐसे प्रावधानों के सम्मान के लिए कुछ जरूर करें। अब मैं आपको, क्योंकि आज का जो आयोजन है इससे दूर चल, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतदान का दौर चल रहा है, और मतदान के लिए किसी ने बताया कि 10 या 12 चरणों में चल रहा है, लेकिन किसी ज्ञानी ने बताया कि चुनाव के बाद 2 चरणों में होता है। पहला चरण वो होता है जिसमें नेता मतदाता के चरण में होता है, और दूसरा चरण वो होता है जिसमें मतदाता नेता के शरण और चरण में होता है। तो अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें, देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और हम अपने पहले करके चलते हैं। जोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला सम्मान 2017 के लिए हमारी अवार्ड जूरी ने जिन नामों का चयन किया है उनमें से मैं पहला नाम बुला रहा हूँ, जोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला सम्मान 2019 के लिए। प्रभात कुमार घोष साहब तैयार हैं, और आपको सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय वाजपेयी जी से पूर्ण निवेदन करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाने की कृपा। आदरणीय वाजपेयी जी और एम अली मधुर साहब, आपको सादर मंच पर लाएं।